मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप हमारी जो मनुष्य में लिंग निर्धारण वाली वीडियो है उसे देख लें, उससे आपको काफ़ी समझ में आएगा, उसके बाद में आप इसे आसानी से समझ पाएंगे, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हमने आपको वहाँ पर ये बताया था कि जब युग्मक बनता है तो एक जोड़े गुणसूत्र में से एक ही गुणसूत्र आगे बढ़ता है। अब होता ये है कि कभी कभी जो मनुष्यों में 21वां जोड़ा जो होता है उसका विभाजन नहीं हो पाता, उसमें से एक ना जाकर के दोनों ही चले जाते हैं, और इसके कारण जो है कुल गुणसूत्र की संख्या भी प्रभावित होती है, और कुल गुणसूत्र की संख्या जो है वो 47 हो जाती है। ये एक आनुवांशिक विकार होता है जिसे हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो विभाजित नहीं होता और पूरा का पूरा आगे बढ़ता है, ठीक है। इससे कुल गुणसूत्र की संख्या भी प्रभावित होती है और 46 ना होकर के वो 47 हो जाती है। इस चीज़ को बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम। तो व्यक्ति के 21वें गुणसूत्र की तीन कॉपी होने के कारण, जो 21वां गुणसूत्र होता है उसकी तीन कॉपी होने के कारण कुल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है या 47 होती है। यह एक आनुवांशिक विकार है। आनुवांशिक विकार से का क्या मतलब है यहाँ पर समझिए। तो एंजाइम्स होते हैं या जीन्स होते हैं उनकी अनुपस्थिति हो, वो हो ही ना किसी कारण से, वो अनुपस्थित हों या नहीं हों, या फिर उनकी स्थान परिवर्तन हो गया हो, तो इस तरह के उत्पन्न जो इस तरह का जो परिवर्तन है इसे बोलते हैं आनुवांशिक विकार। किसी जगह पर जीन या एंजाइम का अनुपस्थित होना या स्थान बदलने को हम आनुवांशिक विकार कहते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको यहीं पर भी ये भी क्लियर हो गया कि कभी एंजाइम या जीन की अनुपस्थिति या स्थान बदलने को हम आनुवांशिक विकार कहते हैं। तो व्यक्ति के 21वें गुणसूत्र की तीन कॉपी होने के कारण कुल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। जो 21वां गुणसूत्र है वो बट नहीं पाता और उसकी तीन कॉपियां हो जाती हैं, और इससे कुल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। यह एक आनुवांशिक विकार है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र की तीन कॉपी होने के कारण कुल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है, यही हमारा डाउन सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। इस सिंड्रोम में चेहरा मंगोलों के समान होता है, इस कारण से मंगोलिया जड़ता भी कहते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मंगोलिया जड़ता कैसे कहते हैं, तो आप इसमें ये पॉइंट दोनों इसी में क्लियर हैं। इस सिंड्रोम में चेहरा मंगोलों के समान होता है, इसी कारण से मंगोलिया जड़ता भी कहते हैं। मंगोलिया जड़ता पूछा जाए तो आप इसी को लिख देंगे, पूरा सही रहेगा। अब इसका कारण क्या है, तो देखिए इसका कारण युग्मक निर्माण के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में, जो युग्मक निर्माण होता है उसके समय पर जब युग्मक का निर्माण होता है तो उस समय पर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन में जो 21वां गुणसूत्र है वो अलग अलग नहीं हो पाता, ठीक है, जबकि उसे अलग अलग होना चाहिए, टूट करके एक को आगे बढ़ाना चाहिए, वो अलग अलग नहीं हो पाता। इसे हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। तो होता क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि युग्मक निर्माण के समय पर जो 21 अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो युग्मक निर्माण के समय पर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें 21वां जोड़ा गुणसूत्र जो है वो विभाजित नहीं होता या अलग नहीं हो पाता, इसे नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, ठीक है। और माँ के 40+ आयु होने पर इसकी संभावना बढ़ जाती है। जो महिलाएँ 40 की एज के बाद अपनी संतान को जन्म देती हैं उनमें इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके लक्षण होते हैं जैसे मंदबुद्धिता, कम बुद्धिपन रहता है, मंदबुद्धिता, ठीक है, दिमाग का होना होना, आपने देखे होंगे कुछ बच्चे मेंटली तौर पे ठीक नहीं रहते, वो गोल सिर का गोल होना, आंशिक रूप से उनका मुंह खुला रहता है, कुछ ऐसा खुलासा मुंह रहता है, तो और इसके अलावा कई सारे लक्षण हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक डाउन सिंड्रोम। इसके बाद जानेंगे हम अन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में।